राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 के तहत हर बीपीएल परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिलने का प्रावधान है, लेकिन जिला पूर्वी सिंहभूम धलबुंगड़ प्रखंड के अंतर्गत चुकरीपाड़ा पंचायत के जगन्नाथपुर गांव के टोला तिरेली में लोगों का कहना है कि हम लोगों का गांव में बिजली नहीं आया है और बिजली नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। बिजली नहीं होने से आप लोग को कैसे लग रहा है? देखिए, अभी तो आधुनिक युग है, अभी तो देखने से हर गांव में बिजली है, यहां तक कि पहाड़ी इलाके में भी बिजली पहुंचा हुआ है। लेकिन हम लोग का गांव ऐसे तो शहर के नज़दीक है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग को लाइन नहीं मिला है। इसलिए बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाई दिया जाता है वो घर आके उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। और जैसे मान लिया छोटा मोटा काम हुआ, अगर बिजली रहने से और लोग भी सुबह से अपना काम में लग सकती है, लेकिन अंधेरे में वो लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग को लाइन बहुत ही ज़रूरी है। बिजली आने के लिए आवेदन आप लोग कहाँ दिए थे या गांव में कुछ मीटिंग किए थे? ऐसे तो हम लोग गांव में मीटिंग करके वार्ड मेंबर उसके बाद एसडीओ तक भी हम लोग दिए हैं। इसके पहले जो चुनाव होता है उसमें नेता लोग आते हैं, उन लोगों को भी हम लोग बिजली के बारे में आवेदन भी दिए थे और यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी लिख के हम लोग दिए हैं। और ऐसे बात बात में तो उन लोग के साथ हुआ ही है, लेकिन वो लोग खाली आश्वासन देते हैं और चुनाव होने के बाद उन लोग का पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जीतने पर भी आते नहीं है और जो हार जाते हैं तो बेचारा नहीं आते हैं। बिजली आने के लिए बिजली विभाग के एसडीओ को लिखित आवेदन दिया जाए ताकि अंधेरा से निजात मिल सके। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि बिजली विभाग के एसडीओ रणधीर सिंह को 9431135933 पर फोन करके अवगत कराया जाए ताकि जल्द से जल्द गांव वालों को बिजली कनेक्शन दिया जाए। मैं तुलसी हेमरम, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।